नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली कोविड 19 एक बार फिर से न्यूज में आ चुका है। कोविड 19 वायरस म्यूटेशन करते हुए एक बार फिर से एक नए रूप में आ गया है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो नया वेरिएंट है इसको पिरोला के नाम से जाना जा रहा है और इसके शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 30 से भी ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। तो जानते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि ये पिरोला कोविड 19 वायरस क्या है, इसमें म्यूटेशंस होते कैसे हैं और यह जो कोविड 19 का नया वेरिएंट आया है ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये कहां कहां पाया जा रहा है, इसको कहां कहां ये जो नया कोविड 19 का पिरोला वेरिएंट आया है इसको कहां कहां डिटेक्ट किया गया है। तो देखिए, इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया गया है डेनमार्क में, इजराइल में, साउथ अफ्रीका में, ब्रिटेन में और अमेरिका में। तो इन सभी देशों में इस कोविड 19 के नए म्यूटेशंस को डिटेक्ट किया गया है क्योंकि हाल ही में ये देखा गया है कि इन सभी देशों में कोविड 19 के केसों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि बताया जा रहा है कि इन देशों में अब कोविड 19 पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर नजर नहीं रखी जा रही है कि ये किस तरीके से म्यूटेट हो रहे हैं, कितना ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो WHO की तरफ से इन देशों को चेतावनी भी दी गई है कि इन देशों की लापरवाही की वजह से ये वेरिएंट अन्य देशों में भी फैल सकता है। तो अब प्रश्न आता है कि एक्चुअली ये जो वायरसेज है ये म्यूटेट कैसे करते हैं। तो देखिए, वायरसेज में म्यूटेशन होना नेचुरल है और ये म्यूटेशन होता कहां है, इनके स्पाइक प्रोटीन में, और यही जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं यही जिम्मेदार होते हैं ह्यूमन बॉडी में इंटर करके ह्यूमन बॉडी के सेल से चिपक के अपने आप को कॉपी करते रहते हैं, मतलब अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। ये फिगर देखिए, इनको ही स्पाइक प्रोटीन्स कहा जाता है। और जब ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स में खुद को कॉपी करते हैं तो उस टाइम इनका जो डीएनए मटेरियल या आरएनए मटेरियल होता है वह जेनेटिक मटेरियल भी खुद को कॉपी करता रहता है। लेकिन जब कभी यह प्रक्रिया फेल हो जाती है, वो खुद को कॉपी कर पाने में पूरी तरीके से समर्थ नहीं हो पाते हैं, कुछ एरर आ जाता है उसमें, तो ऐसी स्थिति में इन वायरसेस में म्यूटेशंस होता है, इनके अंदर बदलाव होते हैं। और खास बात यह है कि ये म्यूटेशन तब ज्यादा होते हैं जब बहुत बड़े स्केल पर लोगों को ये वायरसेस अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो ये वायरसेस अपने आप को बहुत तेजी से कॉपी कर रहे होते हैं और ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इनमें कुछ एरर आए और उसकी वजह से इन वायरसेस में म्यूटेशंस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि पिरोला अपने अन्य वेरिएंट से जैसे ओमिक्रॉन से या डेल्टा से डिफरेंट कैसे है। तो देखिए, कोविड 19 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट भी, ये दोनों जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा म्यूटेशंस के कारण हुए थे और इसकी वजह से ही आपने देखा पूरी दुनिया में इन्होंने तबाही मचाई थी। लेकिन ये जो पिरोला वेरिएंट है इसमें बताया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन और डेल्टा ये दोनों वेरिएंट से काफी डिफरेंट है, इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं, इसके स्पाइक प्रोटीन में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। और रिसर्चर्स ने ये बताया कि अब तक पिरोला के 30 यानी 30 म्यूटेशंस को डिटेक्ट किया जा चुका है, यानी यह जो वेरिएंट है कोविड 19 का पिरोला वेरिएंट यह अपने आप को बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है। और खास बात यह है कि इस म्यूटेशंस को सबसे पहले इजराइल, डेनमार्क और ब्रिटेन में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया है। इन्हीं देशों में इसके वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहे हैं और इसमें बताया जा रहा है कि इस पिरोला वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है जो है BA.2.86 जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है और अपने आप को म्यूटेट भी कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल के समय में कोई भी डेथ यानी मृत्यु इस वेरिएंट को लेकर के रिकॉर्ड नहीं किया गया है, मतलब अभी ये शुरुआती चरण में है जब ये फैलना स्टार्ट हुआ है। और WHO की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि इसको यहीं पर रोका जाए ताकि ये बहुत ज्यादा फैलने न पाए और बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचाने पाए। हालांकि इसको लेकर के यूरोप से एक केस आया है जहां पे इसी वेरिएंट के कारण यानी पिरोला वेरिएंट के कारण एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज भी किया जा चुका है। और ये तब बात सामने आई जब ये पूरी जांच के आधार पे कंफर्म किया गया कि ये जो कोविड 19 का पिरोला वेरिएंट है इस व्यक्ति के अंदर पाया गया है। तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा प्रिकॉशन बरतने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इसके ऊपर ध्यान भी देने की आवश्यकता है, इसको ट्रेस किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी को इकट्ठा किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये कोविड 19 का वायरस अभी शुरुआती चरण में है तो हमें पता नहीं है कि एक्चुअली ये किस तरीके से काम करता है, कितना खतरनाक है, किस तरीके से म्यूटेशन कर रहा है और यह किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ये भी नहीं पता है कि ये कितनी
तेजी से एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे में फैल रहा है। तो इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके इस वायरस के बारे में और इसके प्रभाव को लेकर के लोगों को देशों को सजग किया जा सके। और वैसे इसके प्रिकॉशंस की बात किया जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को मास्क पहन कर रहना चाहिए, वैक्सीनेशन की जो बूस्टर डोज है उसको ले लेना चाहिए, इसके अलावा अपने आसपास अपने बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जिसको आमतौर पर फॉलो किया जाना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। तो ये थी न्यूज कोविड-19 के नए वेरिएंट के बारे में। आपका इस न्यूज पे क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।